नमस्कार, आप लोगों का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज आज से शुरू की जाएगी। तो ये टेस्ट आपका फर्स्ट है, तो फटाफट यहाँ पे जुड़ जाएंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। इसका PDF हमेशा की तरह आपको इस बार भी दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर विथ आंसर की, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका आंसर पता चल सके, आप जिनका आंसर नहीं कर पाएंगे। और PDF भी आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आप लोग जवाब करेंगे कि फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रपति हो उसके आगे आपको फील करना है कि वंशागणित होता है या निर्वाचित होता है, नियुक्त किया जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, इज अपॉइंटेड, इज सेलेक्टेड, इज हेरिडेटरी, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसका क्या होता है सिस्टम? तो इसमें होता है जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है? निर्वाचित होता है। ध्यान रखेंगे जो भारत का प्रेसिडेंट होता है निर्वाचित होता है। जैसे आपका ब्रिटेन लेंगे तो वहाँ पे जो है कैसा होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन वंशानुगत होता है, वहाँ पे जो है वंशानुगत होता है यानी एक ही वंश के लोग वहाँ पे बनते हैं, ब्रिटेन के सिस्टम है। ठीक है, तो भारत का निर्वाचित हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। हु इन्वेस्टिगेट्स एंड डिसाइडेड ऑल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर, तो उसका जो यहाँ पे डिसीजन लेने का अधिकार किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट को, यानी उच्चतम न्यायालय। जवाब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि राइट आंसर इसका क्या है। फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? देखो GDP गणना करने की विधि नहीं है आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि यानी प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, इन तीनों को तो यहाँ पे जो है शामिल किया जाता है यानी इनको जो है गणना में शामिल किया जाता है, मर्ज किया जाता है। बाकी फोर्थ जो हाउसमान लागत विधि, ये इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता, ये आपका यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, डायमेंसिंग कॉस्ट मेथड हो जाएगा, ये नहीं है। जॉब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि राइट आंसर इसका क्या है। फटाफट बताएंगे फोर्थ का राइट आंसर क्या है। If both price and monetary income double in a given time period, then the real income will be। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं, तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो वास्तविक आय होगी वो क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी, बिल रिमेन अनचेंज्ड, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे। फटाफट रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है इन एन इकोनमी द नेशनल इनकम ऑफ वाई, यहाँ पे देखिए इनकम जो नेशनल इनकम है उसको ईयरली दिखाया गया ऑफ इकोनमी एच, तो उसको वाई से इंडिकेट किया गया। उसके बाद CIGXM मीन कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट्स एंड द टोटल इम्पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली, यानी यम के लिए जो है यहाँ पे टोटल इम्पोर्ट रिस्पेक्टिवली दे रखा है, यक्स के लिए आपका टोटल एक्सपोर्ट दे रखा है, जी के लिए आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई के लिए जो इन्वेस्टमेंट, और सी जो है कंजप्शन दे रखा है। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय कितनी है? वाई यहाँ पे इसकी इंडिकेट, और बाकी आपका यहाँ पे दे रखा है सी के लिए जो है उपभोग, आई के लिए निवेश, जी के लिए सरकारी खर्च, यक्स के लिए कुल निर्यात और यम के लिए कुल आयात। तो इसमें से पूछा गया है कि भाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी वाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जो वाई आपका है यानी जो राष्ट्रीय आय है उसके बराबर में क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय के जो इक्वल में होगा वो क्या होगा? वाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस, अब यहाँ पे जी के लिए आपका क्या दे रखा है? सरकारी खर्चा। उसके बाद यक्स माइनस यम किया गया है, यानी कुल जो निर्यात होगा उसमें से कुल आयात को हम लेस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही है। जो आप करेंगे नेक्स्ट का कि राइट आंसर इसका क्या है।
क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, तो कितना प्रतिशत यहाँ पे इसका क्षेत्र है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 18% हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान रखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोनों चीज़ें डिफरेंट दे रखा भाई, यहाँ पे 18 कर दीजिएगा, ठीक है, 18% हो जाएगा। ओके, ये देखिए लगभग होता है 17.8% होता है, तो ये हमारा जो है देख सकते हैं हाफ से जो है मैक्स है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले डिजिट में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 15 भी दिया रहता तो हम उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसके नियर में ए आपका दिख रहा है, ठीक है। 22 तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से उसको टिक नहीं करते। अगर 15 भी रहता तो हम टिक कर लेते, लेकिन 18 आपका दे रखा है, ठीक है। इसका जवाब करेंगे फटाफट, क्वेश्चन मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवेंस बिलो। एक गुप्ता टेम्पल दे रखा है, एक लोकेशन की दे रखा है, यानी एक सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, गुप्ता मंदिर और स्थान। तो ईंट निर्मित मंदिर यानी ब्रिक बुल्ट जो टेम्पल वो कहाँ पे आपका है, तो भाई इनर विलेज यानी भीतर गांव कानपुर में है, यानी फर्स्ट का थर्ड में जाएगा। तो फर्स्ट का जिसमें थर्ड होगा, एक में ही थर्ड दिख रहा है, बाकी आपको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है सबका, बाकी हम सबको देख लेते हैं। अब से देव दसवां अवतार, दसवां अवतार आपका मंदिर जो कहाँ पे देवगढ़ में है, यानी इसमें आपका दो हो गया, इसमें आपका फर्स्ट हो गया। उसके आगे शिव मंदिर आपका कहाँ पे चला गया, शिव मंदिर जो आपका यहाँ पे भूमरा में है, यानी यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा। और विष्णु मंदिर आपका एरन में चला जाएगा, यानी यहाँ पे आपका फोर्थ हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो कौन सा सही है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस फॉर टाइगर रिजर्व, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य के लिए नहीं प्रसिद्ध है। देखिए भाई, बांदीपुर आपका कर्नाटक, ए भी बाघों के लिए जाना जाता है। गिर ए आपका गुजरात में, जो कि किसके लिए जाना जाता है, लॉयन के लिए जाना जाता है, शेर के लिए जाना जाता है, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, यानी आपका सी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, यानी सेकेंड वाला। जिम कार्बेट उत्तराखंड, ए भी आपका बाघों के लिए जाना जाता है। कान्हा ए भी आपका एमपी में है, ए भी बाघों के लिए, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, गिर गुजरात में जो कि पड़ता है, ए आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो गुजरात में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लायन के लिए जाना जाता है, शेर के लिए जाना जाता है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो कौन था, तो भाई जे बी कृपलानी। ध्यान रखेंगे JB कृपलानी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर। द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल, अब यहाँ पे आपका डैश दे रखा, ऑफ द कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड डिवेल्यूशन ऑफ, दो आपके यहाँ पे गैप दे रखे हैं, दोनों में आपको फील करना, कह रहा है देश की मुद्रा के बाह में कमी होना ही का अवमूल्यन होता है, तो किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहले में क्या भरा जाएगा, तो देश की जो मुद्रा होती है, देश की मुद्रा के बाह निवेश तो होगा नहीं, यानी ये पहला आपका कट गया। बाह मूल्य यहाँ पे होना चाहिए, यानी इसमें हम मूल्य भरेंगे, यानी इसमें हम प्राइस भर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड में जो कि दे रखा है। और में कमी होना ही मुद्रा का अवमूल्यन होता है, यानी आपका सेकेंड ही यहाँ पे होगा, करेंसी इसमें फील किया जाएगा। इसमें देखिए मुद्रा तो दे रखा है, लेकिन इसने निवेश पहले में दे रखा था, जबकि यहाँ पे क्या था, देश की मूल्य के बाह्य, यहाँ पे मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। फॉर ऑलमोस्ट हाउ लॉन्ग आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द नेचर ऑफ द इकोनॉमी वॉज मेनली मिक्सड इकोनॉमी, वाइल आफ्टर 1991 इट इज मूविंग टूवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बाद लगभग कब तक अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था का रहा।
जबकि 1921 यहाँ पे 1991 के बाद यह प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। इससे पहले क्या था, प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था का रहा है। तो भाई बाद लगभग कब तक यहाँ पे, तो 1991 तक ही, उसके बाद ही तो हो रही बात आगे, यानी 1991 तक जो है कैसी थी, यहाँ पे प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी हमारी मेनली मिक्स्ड इकोनॉमी थी इससे पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई। नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है भाई, फटाफट बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, तो इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसकी बात करेंगे। देखिए कह रहा है, पहला ऑप्शन है फॉर्म्ड इन 2006 फॉर द असोर्ड यूज ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, तो पहला ही ऑप्शन एक गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम में विनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित उपयोग हेतु 2006 में गठन किया गया, तो राष्ट्रीय निवेश कोष का जो गठन किया गया 2006 में नहीं 2005 में किया गया है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे असत्य हो रहा है, तो पहले को हम टिक कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाला हम चेक कर लेते हैं। अगला है, इस राशि के 75% का उपयोग सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु, एकदम सही है। 25% राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र, ये भी आपका सही है। और औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत पावर ग्रिड कॉर्पोरेट, ये भी सही है। 17 जनवरी 2013 को सरकार ने इसका पुनर्गठन किया है, यानी आपके बाकी ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। जबकि यहाँ पे गलत वाला जो ऑप्शन है, कौन सा गलत है, केवल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका रॉन्ग है, यानी फॉल्स है, ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। इसका जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर। द ट्रीटी ऑफ सुगोली वॉज साइंड बाई, तो सुगोली की संधि कब हुई इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सुगोली की जो संधि हुई है भाई 2 दिसंबर 1815 में हुई। कब हुई है? 2 दिसंबर 1815 में सुगोली की संधि हुई थी। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, द रीजन फॉर दिस वॉज, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो इसका जो सबसे मेजर आपका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपद में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, प्रेफरेंस गिवन बाय द वेल्थी क्लॉज टू इन्वेस्ट टू इन रियल इस्टेट, ये रियल इस्टेट में ज़्यादा यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको हमारे यहाँ पे उद्योग जो थे उसमें कोई भी विकास नहीं हो रहा था, ठीक है, केवल जमीन खरीदने पर ज़्यादा ध्यान देते थे जो धनी वर्ग थे, यानी जो राजा महाराजा। नेक्स्ट का जवाब करेंगे, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोटेड गिवन ब्लू, क्वेश्चन है विक्रम संवत 1508 BC स्टार्टेड बिग, पहला आपका क्या लग रहा है, पहला आपका सही है, यानी इसको जो है यहाँ पे सही शुरू किया गया था 58 में, यानी विक्रम संवत 1858 में शुरू किया गया। शक संवत स्टार्टेड इन 78, एकदम सही है, ये भी 1878 में शक संवत शुरू किया गया। गुप्तकाल 319 से प्रारंभ हुआ, ये भी आपका सही है 319। द ईरो ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द 1992, यहाँ पे 1192, यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसके बाद से यहाँ पे शुरू हो गया मुस्लिम शासन भारत में, यानी आपके भाई चारों सही हैं, यानी 1, 2, 3, 4, यानी आपके चारों सही हैं, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन, फर्स्ट असर्शन है, एंड द अदर लेबल्स एज रीजन, तो असर्शंस में दे रखा है, अब बलबन स्ट्रेंथ नेंड हिज रूल एंड दी कंसंट्रेटेड ऑल दी पावर इन हिज हैंड्स, रीजन है ही वांटेड टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम मुगल मंगोल्स इन्वेजन, यानी इन्वेड की बात की जा रही है। देखिए उसने सभी शक्ति अपने हाथ में ले ली, लेकिन दूसरा जो उसने काम किया मंगोलों से, तो रक्षा के लिए जो है, आक्रमण से उनके बचने के लिए, सुरक्षा के लिए उसने सारी काम किए, लेकिन दोनों अपने में अलग अलग हैं, दोनों सही तो हैं, लेकिन पहला वाला जो उसका कोई भी रीजन नीचे वाले
स्टेटमेंट में नहीं मैच कर रहा है, यानी बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, ये भी सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन पहले का जो है सही रीजन नहीं दे रहा है, दूसरा वाला यानी समुचित व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं कि समुचित व्याख्या नहीं करता, ए की जो है आर समुचित व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि फटाफट नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फास्ट बताएंगे भाई। हु वर द एट जेंट्स इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, तो इनको क्या कहा जाता है, एट तेलुगु पोएट्स की बात की जा रही है। 17 का आपका क्या हो जाएगा, टू ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जॉब करेंगे फटाफट, जैसे नवरत्न अकबर के दरबार में थे तो उसी प्रकार से यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अष्ट दिग्गज उनको कहा जाता है, कृष्णदेवराय के दरबार में वो सब रहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया, तो भारत की जो सबसे ओल्ड है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उसके राइट आंसर की बात करेंगे तो अरावली है, ध्यान रखेंगे अरावली। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन रिपीट लग रहा है भाई। हु वर एट जेंट्स, ये देखिए अभी क्वेश्चन पीछे जस्ट था, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन पीछे था अभी, तो इसको छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। उसकी जगह इसको देख लेते हैं, वेयर इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू सिचुएटेड, यानी छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, भारत में उसकी लोकेशन जो है कहाँ पे है, तो पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, ध्यान रखिए पूर्व और उत्तर वाली पोजीशन पे यहाँ पे बात की जा रही है, उत्तर पूर्व की बात की जा रही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट के, और नेक्स्ट का आप अब जवाब करेंगे फटाफट, 21 का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट बताएंगे भाई 21 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है श्री हरिकोटा इज, तो भाई श्री हरिकोटा है, तो श्री हरिकोटा है कहाँ पे, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है, ओल्गा रिवर है, ध्यान रखेंगे ओल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, द ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, देखिए प्रेरी जो है कहाँ पे हो जाएगा भाई, यूएसए वाले में हो जाता है, यूएसए हो गया। स्टेपी आपका एशिया और यूरोप हो गया, यूरोप हो गया, एशिया और यूरोप। सवाना आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल हो जाएगा। तो बच रहा है कौन, डाउंस आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट आप जवाब करेंगे कि फटाफट राइट आंसर नेक्स्ट का क्या होगा। फर्स्ट ये आपका स्पेस दे रखा है ऑफ वाटर वेपर इज द कॉसेस ऑफ फॉग, निम्न में से जलवाष्प का संघनन कोहरे का कारण होता है, यानी संघनन जो होता है वो होता है कोहरे का कारण, यानी कंडेंसन की बात की जा रही, कंडेंसन जो है क्या होता है, कोहरे का कारण होता है, यानी फॉग का रीजन होता है। नेक्स्ट वन जवाब करेंगे इसका भी राइट आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, निम्न में से किस नदी उद्गम स्थल भारत नहीं है, यानी कौन सी नदी ऐसी है जो भारत से नहीं निकलती है, यानी जन्म उसका जो है भारत में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ए भी आपका उत्तराखंड, सोन नदी आपका मध्य प्रदेश है, चंबल नदी भी आपका वही है, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला रीजन है, ठीक है तो मेनली आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया ज़्यादा इसी में बहती है, लेकिन ओरिजिन जो है कहाँ से, चंबल से, चंबल का राजस्थान है, ठीक है। तो ये तो तीनों हमारी है भारत से, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ पे होता है, चाइना तिब्बत, जो यहाँ पे चाइना तिब्बत वाली प्लेस है, मानसरोवर झील कुमांगडोंग जो है वहाँ से निकलती है, यानी ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील जो कि भारत का क्षेत्र नहीं है, कहाँ पे पड़ता है, चाइना में। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन राइट आंसर जवाब करेंगे फटाफट।
क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ऑन विच कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी विश्व की जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है उसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। लेकिन इसके बारे में पूछा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के कौन से साइड में है, तो ऑस्ट्रेलिया के भाई ये कौन से साइड में है, इसका जवाब जो होता है क्या होता है, पूर्वोत्तर तट पर, यानी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर हो जाएगा। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राण और दैवी स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51 हमारा क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 51 में हमारा क्या कहा गया इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 50 में हमारा क्या गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो पृथककरण के बारे में कहा गया है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में, अंत के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में हम आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल अगर 21 दे देता है, यहाँ पे जैसे 21 लिख के ए दे देता, तो ए आर्टिकल क्या कहता भाई, ये तो ए आर्टिकल हमारा शिक्षा के अधिकार को यानी एजुकेशन राइट्स के बारे में कहता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जवाब करेंगे फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है टू होम डज द चीफ मिनिस्टर क्यूस रिजिग्नेशन, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो राज्यपाल को देगा, ध्यान रखेंगे किसको, राज्यपाल को यानी गवर्नर को। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वेयर डिड द रेनेसेंस बिगिन, यानी पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ है इटली से हुआ है, कहाँ से हुआ है, इटली से। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब करें और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन टोटल सही हुआ है। तो अपने तैयारी को अब शुरू कर दीजिए भाई फटाफट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पढ़िए और इनके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है हरसेना वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, एकदम सही है। ही कंपोज द इपिक देवी चंद्रगुप्तम, ये देखिए यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम जो किसके द्वारा लिखी गई थी, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्ता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो देवी चंद्रगुप्तम है किसके द्वारा लिखी गई, विशाखा दत्त के द्वारा, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहला तो सही है लेकिन ये वाला रॉन्ग होगा। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, एकदम सही है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था और वह प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार भी था, यानी वन एंड थर्ड हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है वो आपका सही होगा। ओके, तो आपके जो 30 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि जो है चीज़ें मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप PDF इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।